तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारी कसम। प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। देन गाइस यहां पर लोगों को लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, उधर से डाउनलोड करके लिरिक्स वीडियो को यहां पर सिलेक्ट कर लेना। देन आप लोग ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिस फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे आरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने देना। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एकदम लास्ट पे जाना है, नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से पहले इसको डिलीट करना है। देन नीचे आपका जो फोटो लेयर है इसके ऊपर डबल टैप करना है। देन यहाँ पे जो येलो बार है इसको इस तरह से खींचोगे तो इसका ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, तो इस तरह से इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो फोटो का ड्यूरेशन इंक्रीज करने के बाद एकदम फास्ट पोजिशन पर चले आइए। देन गाइस यहाँ पर आप लोग एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में जो चूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली चूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन इस सॉन्ग के ऊपर लोगों को कुछ बीटमार्क को ऐड करना होगा, तो फर्स्ट बीटमार्क आप लोगों को 8.17 सेकंड पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींचकर पहले 8.17 सेकंड पर चले आइए। तो 8.17 सेकंड पर आने के बाद नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो बीटमार्क ऐड हो जाएगा। देन गाइस यहाँ पे आप लोग इस सॉन्ग के ऊपर बहुत सारा बीट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट बीट के ऊपर आना है, नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक बीटमार्क को ऐड करना है। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट बीट के ऊपर आना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बीटमार्क को ऐड करना है। तो इस तरह से यहाँ पे जितना भी बीट है उसके ऊपर जाके नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बीटमार्क को ऐड करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को 19 बीटमार्क को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे जितना भी बीट है उसके ऊपर जाके बीटमार्क को ऐड कर लीजिए। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो सारे बीट के ऊपर बीटमार्क ऐड करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है जहाँ पे आपका फोटो है। तो गाइस फोटो के ऊपर आ जाने के बाद आप लोगों को नीचे फोटो को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे बीच पे स्प्लिट नेम का एक ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्प्लिट अभी काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ जाओगे तो ये स्प्लिट जहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, फिर से इस फोटो को स्प्लिट करना है, फिर से आगे की तरफ जाना है, फिर से नीचे फोटो के ऊपर, फिर से नीचे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करके फोटो को स्प्लिट करना है। तो इस फोटो को आप लोगों को स्प्लिट करते रहना है। तो आप इस सॉन्ग के ऊपर जितना बीटमार्क को ऐड किए हो उस फोटो को उतनी बार स्प्लिट करना होगा। तो जैसे कि मैंने इस सॉन्ग के ऊपर 19 बीटमार्क को ऐड किए थे, तो इस फोटो को मैं 19 बार स्प्लिट करूंगा इस तरह से। फिर से स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूंगा, आगे की तरफ जाके फिर से स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो इस तरह से मैं 19 बार इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। अगर आपके फोटो 19 बार स्प्लिट नहीं हुआ है तो फोटो को आप लोग इस तरह से खींच के इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर लेना, देन फिर से स्प्लिट करते रहना। तो इस तरह से आपका जितना भी बीटमार्क है उतनी बार इसको स्प्लिट कर लेना। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है, तो आप भी इस तरह से स्प्लिट करने के बाद सेकंड बीटमार्क के ऊपर आ जाइए। देन नीचे जो फर्स्ट पार्ट है फोटो का इसके ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप करना है बीटमार्क तक। फिर से लोगों को नेक्स्ट बीटमार्क के ऊपर नीचे फिर से नेक्स्ट पार्ट के ऊपर क्लिक करना है फोटो का, तो इसको फिर से क्रॉप करना है। इस तरह से आप लोगों को जितना भी बीटमार्क है उसके हिसाब से आप लोगों को सारे फोटो को क्रॉप कर लेना है, सारे फोटो को क्रॉप कर लेना है इस तरह से। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं, सारे फोटो को इस तरह से क्रॉप कर लेना है बीटमार्क के हिसाब से। तो सारे पार्ट को क्रॉप करने के बाद लास्ट पे जो फोटो का पार्ट है इसको जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना, देन ऐसे डन करके एकदम फास्ट पोजिशन पर चले आना। देन आप लोगों को फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करना है, तो कोई भी फोटो पार्ट के ऊपर आ जाइए, नीचे थर्ड नंबर पे इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। देन फोटो पार्ट को एकदम खिसका के एकदम फास्ट पे ले आइए। नीचे आप लोग को बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, इधर से आप लोग को जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन इसका ड्यूरेशन खींच के पूरा फोटो तक कर लेना है। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारे पार्ट के ऊपर ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। देन गाइस यहां पे देखो तो आप लोगों को यहां पे नीचे बहुत सारा
छोटा छोटा प्लस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कोई भी एक प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, नीचे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा खींच कर लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करिए, देन नीचे जो ड्यूरेशन इसको थोड़ा सा माइनस करके नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये पे जितना भी प्लस ऑप्शन था इसके ऊपर लाइट इफेक्ट एड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को कर लेना है। देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे रेड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के ऐसे सेव कर लीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद है जो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।